नमस्कार दोस्तों, आज के हम जानेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग के बारे में। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो भी स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग थी, मगर इस वीडियो में उसका वायरिंग काफ़ी अलग है। यानी पहले जो मैंने समझा उसका वायरिंग और जो आज मैं बताने जा रहा हूँ एनिमेशन वीडियो के थ्रू उसका वायरिंग भी अलग अलग है, ठीक है। यानी दोनों 100% काम करेगी। इस पर मैंने प्रैक्टिकली भी परफॉर्म किया। इसके बाद जो दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसको मैं आपको प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप भी समझा दूंगा कि कैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर का वायरिंग किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों मैंने इसके लिए काफ़ी मेहनत की, तो इस वीडियो के लिए मैं 500 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ। आई होप आप 100% मुझे अचीव करने के लिए हेल्प करेंगे। और जो मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों आपके लिए, वो अलग तरह से सर्किट को काफ़ी इजी तरह से बनाने की ट्राई करता हूँ, यानी जो आम लोग भी है वो उसको देख के समझ सके। तो दोस्तों इसीलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए। और काफ़ी सारे लोग चैनल पर आते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों मेरा नाम है परेश और इलेक्ट्रिकल ट्रेनर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो एसेसरीज का यूज़ होता है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम डबल पोल एमसीबी का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो हमारा पूरा वायरिंग है कंट्रोल वायरिंग वो हम फेज और न्यूट्रल के बीच करने वाले, इसलिए हम डबल पोल के एमसीबी यूज़ करेंगे। इसके बाद ये स्टॉप पुश बटन का हमने यूज़ किया जो नॉर्मली क्लोज रहता है एनसी कंडीशन में, और ये हमारा स्टार्ट पुश बटन है जो नॉर्मली ओपन रहता है, और ये हमारा कॉन्टैक्टर है जहाँ पर A1 A2 जो लिखा है वो उसको कॉन्टैक्टर कॉइल कहा जाता है, या फिर इसको आप NVC कॉइल भी कह सकते हैं, नो वॉल कॉइल। और जो NONC लिखा है उसको आप ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट कहा जाता है। और जो हमें यह कॉन्टैक्ट है वो सिंगल फेज पे यानी 230 वोल्टेज पे भी ऑपरेट होता है और 440 वोल्टेज पे भी ऑपरेट हो सकता है। इसके बाद ये हमारी ओवर रिले है जहाँ पे NC लिखा है उसको ट्रिप कंट्रोल के लिए हम यूज़ किया जाता है, और जो NO लिखा है उसको आप ट्रिप इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। और जो ओवर रिले का हमने यूज़ किया होता है वो अगर फेज फेलियर होता है या ज़्यादा लोड बढ़ जाता है तो इसके लिए हम उसका ओवर रिले का यूज़ करते हैं, एज अ प्रोटेक्शन के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। इसके बाद ये जो हमारा कॉन्टैक्ट है वो मेन कॉन्टैक्ट की तरह हम यूज़ करेंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा कॉन्टैक्टर है उसको हम डेल्टा कॉन्टैक्टर की तरह यूज़ करेंगे, और जो तीसरा कॉन्टैक्टर है उसको हम स्टार कॉन्टैक्टर की तरह यूज़ करेंगे, यानी हम तीन कॉन्टैक्टर का यूज़ करेंगे। इसके बाद ये हमारा इलेक्ट्रिकल टाइमर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो A1 A2 लिखा है उसकी NVC कॉल हो रही है, ठीक है। और इसके अंदर एक कॉमन रहता है, एक NC रहता है, एक NO रहता है, ठीक है। अगर आपको डिटेल में जाना तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया, तो आपको मैं एन स्क्रीन में दे दूँगा, वहाँ से भी जाकर आप दे सकते हैं। तो अभी हम उसका पूरा वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फेज यहाँ पे पहले हमारे MCB लगेगा, ठीक है, इसके बाद न्यूट्रल, इसके बाद जो हमारा फेज है वो हम ओवरलोड रिले में करेंगे कनेक्शन, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन देना रहता है। तो जो हमारा फेज होगा वो जो NC होता है ओवरलोड रिले में वहाँ पे हम देंगे। इसके बाद NC का जो दूसरा छेड़ा है वो जाएगा हमारा स्टॉप पुश बटन में। और जो स्टॉप पुश बटन का दूसरा टर्मिनल है वो हमारा जाएगा स्टार्ट बटन में। इसके बाद स्टार्ट से हम निकालेंगे और वो हमारा जाएगा, एक जाएगा हमारा जो A1 है जो मेन कंडक्टर की A1 कॉइल है वहाँ पे जाएगा, और दूसरा जो वायर है वो हम लगाएंगे जो हमारा टाइमर का A1 कॉइल होती है टाइमर की, वहाँ पर हम उसमें कनेक्शन करना है टाइमर की A1 में, ठीक है। इसके बाद टाइमर की A1 से दूसरा वायर निकालेंगे जिसको हमें देना, जो हमारा टाइमर है उसका जो कॉमन वायर होगा, यहाँ पे 25 नंबर लिखा है वो कॉमन रहता है तो कॉमन में हमें देना है, ठीक है। इतना वायरिंग हो चुका। अभी जो दूसरा हमारा A1 है A1 से हम वायर निकालेंगे और A1 से हम NMO देना है, NO जो मेन कॉन्टैक्टर का जो NO वहाँ पे हमें कनेक्शन करना है। उसके बाद दूसरा हम स्टॉप पुश बटन से एक वायर निकालेंगे और उसको हमें देना है जो NO रहता है मेन कॉन्टैक्टर का वहाँ पे देना है। इतना वायरिंग हो चुका, यानी यहाँ से हम जो हमारी मेन कॉन्टैक्ट उसको हम वर्किंग करा सकते हैं, ठीक है। अभी जो हमारा टाइमर है वहाँ से हम जो उसका NC रहता है नॉर्मल क्लोज वहाँ से हम वायर निकालेंगे और वो हम लेके जाएंगे डेल्टा के NC में लगाना है, और डेल्टा के NC का दूसरा जो छेड़ा है वो हमें लगाना है स्टार कॉन्टैक्टर के A1 कॉइल में। यानी इससे क्या होगा कि ये हमारा जो स्टार कॉन्टैक्टर वो भी ऑपरेट होगा, ठीक है। यानी पहले हमारा मेन कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा, उसके बाद हमारा स्टार कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा। और अभी जो हमारा टाइमर का दूसरा जो NO कंडीशन है, NO वाला जो बटन होगा वहाँ से हम वायर निकालेंगे, वो हमें देना स्टार कॉन्टैक्टर के NC में देना है। और NC का जो तो दूसरा होगा वो जो निकलेगा वो जाएगा हमारा जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है उसके A1 में जाएगा, यानी यहाँ से फिर हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो NC लिखा है वहाँ पे स्टार भी लिखा सर लिखा होगा, कोई टाइमर में स्टार लिखा रहता है और डेल्टा लिखा रहता है, ठीक है। मगर आपको जो यूज़ करना है कॉमन NC इसी तरह के कनेक्शन करना है, जितने भी टाइमर हो गए तो उसी तरह ये वर्क करेगा।
इसके बाद जो A2 हमारा बाकी है, जो हमारा टाइमर का A2 है, दूसरा हमारा स्टार कॉन्टैक्टर का A2 है, इसकी तरह हमारा डेटा कॉन्टैक्टर का A2, तो और जो मेन कॉन्टैक्टर का जो A2 है कॉइल का, उसको हमें न्यूट्रल देना है। तो यहाँ पे हम जो A2 हमारा टाइमर के वहाँ से हम निकालेंगे वायर, और वो हमारा स्टार में जाएगा A2 में, उसी तरह हम स्टार से निकालेंगे और डेल्टा में देना है, ने सभी को कॉमन करना है और उसको न्यूट्रल दे देना है। तो ये इतना वायरिंग हमारा हो गया। अभी जो हमारा जो स्टॉप टर्न बटन के लिए, यानी जो इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे टर्न स्टॉप और ट्रिप के लिए, तो उसका वायरिंग हम देख लेते हैं। तो पहले इसको हम फेस देते थे, तो उसके लिए जो वायरिंग करना है, तो उसके लिए हमें जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर NO है वहाँ से हम वायर निकालेंगे, और जो NC है मेन कॉन्टैक्टर का NC वहाँ पे देना है, और जो NC का दूसरा कॉन्टैक्ट है मेन कॉन्टैक्ट वहाँ से हम निकालेंगे और उसे हमें देना है स्टॉप बटन में दे देना है, ठीक है। इस तरह से ये एक हो गया, ठीक है। इसका न्यूट्रल हम बाद में देते, पहले फेस दे। इसी तरह हम रन बटन के लिए जो हमारा स्टार्ट बटन है वहाँ से हम निकालेंगे, और उसको हम जो रन का जो हमारा इंडिकेटर है वहाँ पे देंगे, तो जिससे कि हम मोटर को जैसे ही रन करेंगे तो ये हमारा रन का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, और स्टॉप करेंगे तो स्टॉप का इंडिकेटर। और इसी तरह ट्रिप के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा NO लिखा है ओवरलोड रिले में, उसके लिए हम NC में से निकालेंगे वायर को और NO में देंगे यहाँ पे, ये देख सकते हैं। और इसके बाद जो NO का दूसरा है वो वायर हम लेके जाएंगे, जो ट्रिप इंडिकेटर है उसके हमें देना है। इसके बाद इसका तीनों का न्यूट्रल हमें कॉमन देना रहेगा, तो न्यूट्रल हम निकालेंगे ट्रिप में से, रन में जाएगा, इसी तरह हमारा स्टॉप में जाएगा, और जो हमारा न्यूट्रल है हमारे MCB में वहाँ पे हमें देना है, कॉमन दे देना है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा वायरिंग कंट्रोल वायरिंग हो चुका है, जो हमने फेज और न्यूट्रल के बीच किया है। सेम वायरिंग आप दो फेज में भी कर सके, मगर आपका टाइमर डबल फेज पे ऑपरेट होना चाहिए। ये जो मैंने टाइमर बताई वो सिंगल फेज में ऑपरेट है, इसलिए मैंने फेज न्यूट्रल के बीच आपको वायरिंग करके बताया, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या होगा, पहले आपका मेन कॉन्टैक्टर वर्क करेगा और स्टार कॉन्टैक्टर वर्क करेगा, थोड़े जिसने मैं अपने टाइमर में सेट किया 15 सेकंड 10 सेकंड, तो फिर आपका मेन कॉन्टैक्टर और डेटा कॉन्टैक्टर वर्क करेंगे। अगर आपकी मोटर स्टॉप होगी तो आप स्टॉप का इंडिकेटर ऑन होगा, रन करेंगे स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो रन का इंडिकेटर ऑन होगा, अगर ट्रिप हो जाएगा ट्रिप का बटन भी आपको इंडिकेटर ऑन होगा। तो पूरा वायरिंग आपको आई होप समझ में आ चुका होगा, फिर भी आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगले वीडियो में आपको सब पूरा प्रैक्टिकल वीडियो भी बना के बताऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। तो अगला वीडियो भी देखना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।